नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं असमत काटा था आपके अपने YouTube चैनल हैप्पी जर्नी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली भी कौन कौन से नए रूल्स अनाउंस किए हैं जिससे हमें पासपोर्ट बनाने के लिए फॉलो करना होता है या हमारा पासपोर्ट बनाना ईजी होता है। दोस्तों, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ने अपने रूल्स में कुछ चेंजिंग किए हैं, वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजिंग किए हैं, डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स के रूल्स में कुछ चेंजिंग किए हैं, एनेक्सेस में कुछ चेंजिंग किए हैं, अटेस्टेशन होता है उनमें कुछ चेंजिंग किए, मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है उसमें कुछ चेंजिंग किए, अपन जो अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करना होता है उसके लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ चेंजिंग किए। दूसरा अदर्स में आते हैं, जैसे कि अनाथ बच्चा अगर पासपोर्ट बनाना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से चेंजिंग किए। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने जो रूल्स में चेंजिंग किए उसके बारे में। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, फर्स्ट रूल्स आता है डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रूफ ऑफ बर्थ। 26 जनवरी 1989 के बाद जो भी पैदा हुए हैं या जो भी अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं उनको पहले क्या होता था कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी होता था, लेकिन अभी विदेश मंत्रालय यानी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी क्या किया है, ये रूल्स को हटा दिया है। इसके बर्थ सर्टिफिकेट लगाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अब आप 10th क्लास का मार्कशीट लगा सकते हैं, स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, या कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसका आप बॉन्ड लगा सकते हैं अपना प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। दूसरा दोस्तों, दूसरा रूल्स जो चेंज किया है वो डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। इसमें क्या होता था, पहले आपका जो फॉर्म भरते थे उसमें माता पिता पूरी डिटेल्स देना पड़ता था, लेकिन अभी क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, क्या किया आप उनको फुल डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, आपके जो माता पिता या फिर लीगल जो गार्जियंस हैं उनका ओनली नाम देना होता है। तीसरा रूल्स है दोस्तों एनेक्सेस। एनेक्सेस पे ये होता था कि पहले करीबन 15 एनेक्सेस होते थे, लेकिन अभी इन एनेक्सेस को घटाकर 9 कर दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि 15 जो एनेक्सेस थे उनमें से इनको घटाकर 9 कर दिया गया है, जिसमें ए सी डी ई जे और के को रिमूव कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, जैसे के में आपको मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराना होता था या फिर डिवोर्स सर्टिफिकेट देना होता था, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है। चौथा है दोस्तों अटेस्टेशन। पहले क्या होता था कि आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट जो होते थे उनको फर्स्ट क्लास रजिस्ट्रार या फिर एडवोकेट या फिर नोटरी अधिकारी से आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने होते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये रूल भी चेंज कर दिया है। अभी आपको किसी भी अटेस्टेशन से जाके अटेस्टेड नहीं करवाना होता है, आपको सिंपली प्लेन पेपर में एक डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, वो डिक्लेरेशन लगा के आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों पाँचवा है मैरिज एंड डिवोर्स सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था कि अगर आपने शादी की है और आप शादीशुदा या फिर अलग रह रहे हो या फिर तलाक हो गया हो तो आपको ये सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अभी दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको भी रिमूव कर दिया है। अगर आप शादीशुदा है, अलग रह रहे हैं या फिर डिवोर्स हो गया तो आप ये मैरिज सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। छठा दोस्तों अर्जेंट पासपोर्ट। पहले क्या अर्जेंट पासपोर्ट के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बहुत वेट करना पड़ता था, अभी क्या होता है दोस्तों अगर आपको अर्जेंट पासपोर्ट बनाना है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो, आपका पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होगा। फिर दोस्तों रहता है कि जैसे कि किसी अनाथ बच्चे को अपना पासपोर्ट बनाना है तो वो अपने पहले पासपोर्ट बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अभी वो क्या होता है कि जैसे अनाथालय का हेड है या फिर कोई रजिस्टर्ड अधिकारी है उससे अपने लेटर हेड पर लिखा के अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों, आपका ये कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।